फिल्म की शुरुआत में हम नोरी को देखते हैं, जो पानी से भरे बाथटब में होती है और पास ही उसकी माँ क्योको भी होती है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों माँ बेटी किसी तरह का रिचुअल कर रहे हो। आगे हम देखते हैं कि क्योको कहीं बाहर जाने के लिए अपना बैग ले रही होती है, जिस पर नोरी उससे सवाल करती है कि आप कहाँ जा रही हो, जिसके जवाब में क्योको कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। जिसके बाद हम क्योको को बाहर जाते हुए देखते हैं, जो काफी परेशान नजर आ रही होती है। वो किसी अबैंडन फैक्ट्री में जाती है और तभी सीन स्टेला की तरफ मुड़ जाता है, जो अपने हाथ पर टैटू बनवा रही होती है। स्टेला पेशे से एक डिटेक्टिव होती है जो पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। टैटू बनवाने के बाद स्टेला अपने मोबाइल चेक करती है, जिसके बाद हम उसे किसी क्राइम सीन पर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पहले से ही काफी सारे पुलिस वाले मौजूद होते हैं। स्टेला एक ऑफिसर से सवाल करती है कि क्राइम सीन की जानकारी किसने दी, जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि एक होमलेस ने पुलिस को जानकारी दी। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जिसका नाम जेक होता है। स्टेला और जेक की बातों को सुनकर पता चलता है कि दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जेक, स्टेला और उनकी टीम के कुछ मेंबर्स मास्क लगाकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है जो पूरी तरह से जलने के बावजूद खड़ी थी, जैसे उसे किसी ने जली हुई लकड़ी में बदल दिया हो। स्टेला बताती कि ये लाश जलकर कोयला में बदल चुकी है, और फिर वो सवाल करती कि उस होमलेस व्यक्ति ने सिर्फ आग के बारे में रिपोर्ट किया या शरीर के बारे में, जिस पर पास खड़ा एक ऑफिसर कहता है कि उसने सिर्फ शरीर के बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया। जिसके बाद स्टेला को लाश के पास पड़ा हुआ आईडी मिलता है, जिस पर क्योको ओशिरो लिखा होता है, यानी कि ये लाश नोरी की माँ की है। लेकिन ये हालत उसकी कैसे हुई, ये हमें आगे पता चलेगा। डिटेक्टिव स्टेला आईडी की हेल्प से क्योको के घर पहुँचते है, जहाँ उसे नोरी की दादी यानी कि क्योको की माँ मिलती है। स्टेला उन्हें बताती कि उसका नाम स्टेला मोफी है और वो एक डिटेक्टिव है, जिसके बाद वो नोरी और उसके दादी को वारदात के बारे में सारी बात बताते हैं और उनसे क्योको के बारे में सवाल करने लगते हैं, जैसे कि उसके कौन कौन दोस्त हैं, वो कहाँ आती जाती थी, कल रात वो घर से कितने बजे निकली, वगैरह वगैरह। अगले सीन में हम स्टेला को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, जहाँ वो ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को कॉल करके कहती है कि किसी आईटी वाले को यहाँ भेजो क्योंकि मुझे अपना पासवर्ड चेंज कराना है, जिस पर वो एम्प्लॉय सवाल करता है कि पासवर्ड क्यों चेंज करना है, जिस पर स्टेला कहती है कि मेरा पासवर्ड अब भी मारा ही है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि स्टेला की एक बेटी रही होगी जिसका नाम मैरा था, लेकिन उसकी किसी कारण से मौत हो गई। इस मूवी में मैरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हम स्टेला के लोनलीनेस को देखकर समझ पाते हैं कि वो मैरा के वजह से ही उदास रहती है और इसीलिए वो अपने हाथ पर टैटू भी बनवा रही थी। स्टेला पोस्टमार्टम रूम जाती है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैंने कई शरीरों पर कई कार्बन डेटिंग देखी है, लेकिन मशीन की रीडिंग हर बार यही बता रही है कि ये शरीर 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। डॉक्टर और स्टेला दोनों कंफ्यूज कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद सीन नोरी की तरफ मुड़ जाती है, जो अपनी माँ को याद करके रो रही होती है, जिसके बाद वो दादी के पास जाती है और उनसे कहती कि वो अपने माँ का शरीर देखना चाहती है, पर दादी उससे कहती कि उन्हें इस बारे में बात नहीं करना है और वो सीधे उठकर चली जाती है। जिसके बाद नोरी के पास रखा हुआ डिटेक्टिव स्टेला का कार्ड लेकर देखने लगती है, जिस कार्ड को स्टेला ने ही पिछली बार यहाँ छोड़ा था। नोरी कार्ड में दिए गए एड्रेस की मदद से स्टेला से मिलती है और अपनी माँ को देखने की विनती करती है। स्टेला पहले तो मना कर देती है, लेकिन नोरी की बार बार विनती करने पर वो उसे पोस्टमार्टम रूम ले जाती है, जहाँ नोरी अपनी माँ की जली हुई लाश देखकर रोने लगती है। पर अब एकदम हैरानी वाली बात कि तभी आसपास की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, सारे गैजेट्स भी शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और नोरी के शरीर से व्हाइट कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिस ऑरा के कारण नोरी की माँ क्योको की शरीर से एक फूल निकलता है, जिसको देखकर नोरी एकदम शांत हो जाती है और उस फूल को लेकर वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव स्टेला भी ये देखकर नोरी के साथ उसके घर जाती है, लेकिन नोरी की दादी स्टेला को अंदर आने से मना कर देती है। स्टेला दादी से कहती है कि उसने नोरी के पास से सुपरनेचुरल चीजें महसूस की और आपकी बेटी क्योको की भी मौत अजीब कारण से हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके परिवार में कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी होगी। लेकिन दादी ये कहकर दरवाजा बंद कर देती है कि तुम इन चीजों को समझ नहीं पाओगी। जिसके बाद हम स्टेला को जेक के घर जाते हुए देखते हैं, जो शायद नशे के हालत में थी। उनकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि जेक स्टेला का हस्बैंड है, जो स्टेला को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उससे उसके टैटू के बारे में भी सवाल करता है, जिस पर स्टेला कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ नोरी अपने घर पे सो रही होती है और उसके पास कुछ पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जिनकी जड़ उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिसके कारण नोरी की नींद एकदम से खुल जाती है और वो जोरों से चिल्लाकर दादी के
पास भाग पड़ती है। वो दादी से सवाल करती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जिस पर दादी कहती है कि काइशो को तुम्हें खुद से कंट्रोल करना सीखना होगा। आगे दादी बताती है कि नौरी की माँ नहीं चाहती थी कि वो डर में जिए और इसीलिए उन्होंने नौरी को काइशो के बारे में नहीं बताया था। यहाँ हम अब ये समझते हैं कि काइशो किसी तरह की शक्ति है जो नौरी के परिवार में बहुत समय से चली आ रही है। नौरी दादी से कहती है कि वो बस यही चाहती कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन दादी कहती कि वो खुद नॉर्मल नहीं है तो उसके साथ चीजें भी नॉर्मल नहीं हो सकती। दादी बताती कि तुम्हारी खुशी या दुख से ज्यादा जरूरी तुम्हारा काइशो है। जिसके बाद हम फिर से स्टेला को देखते हैं जो उसी केस पर कुछ रिसर्च कर रही होती है और इसी सिलसिले में वो एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ वो किसी डेविस नाम के बंदे से मिलती है जो नौरी की माँ क्योको को काफी अच्छे से जानता था, पर वहाँ पहुंचकर भी स्टेला को कुछ पता नहीं चलता। स्टेला अब जब वापस जाने लगती है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठा होता है और स्टेला को ही घूरे जा रहा होता है, पर स्टेला उसे इग्नोर करके अपनी कार में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ नौरी अपने घर पर कोई किताब पढ़ रही होती है जिसके बाद उसे अपनी माँ को खोने का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो स्टेला को उसी जगह बुलाती है मिलने के लिए जहाँ उसकी माँ की लाश मिली थी। अब स्टेला जब वहाँ पहुँचती है तो उसे नौरी किताब पढ़ते हुए दिखती है जहाँ क्योको और एक आदमी का चमकदार साया दिखता है। नौरी स्टेला को बताती है कि इसी आदमी ने मेरी माँ को मारा है। जिसके बाद हम उन दोनों को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ स्टेला डेविस से मिलने आई थी। दरअसल क्योको इसी रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। नौरी और स्टेला बातें करते हैं और स्टेला नौरी को उसके घर छोड़ने जाती है जहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वो अपनी गन निकाल कर अंदर चेक करने जाती है जहाँ उसे दादी भी ठीक उसी तरह जली हुई मिलती है जिस तरह क्योको की लाश मिली थी, लेकिन यहाँ भी कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा होता। नौरी की माँ और दादी दोनों को ही किसी ने मार दिया था इसलिए वो स्टेला के पास रहने की परमिशन मांगती है और स्टेला उसे अपने घर ले जाती है। अगले दिन स्टेला नौरी की दादी के शरीर को उसकी क्योको के ही शरीर के पास ही दफन करवाती है जहाँ नौरी अपनी शक्तियों से कब्र के ऊपर घास और फूल उगा देती है। जिसके बाद दोनों घर जाने के लिए कार की तरफ बढ़ते हैं जहाँ फिर से वही बाइक वाला बंदा दिखता है जो स्टेला की आवाज लगाने पर वहाँ से अपनी बाइक लेके चला जाता है। स्टेला को अब कुछ तो गड़बड़ लगने लगता है कि शायद यही वो कातिल है और वो नौरी की भी हत्या कर सकता है, इसलिए वो उसकी डिपार्टमेंट में खबर करती है कि अभी भी काली बाइक पर कोई बंदा भागा है और उसे सीसीटीवी की मदद से ढूंढने की अलर्ट जारी करती है। स्टेला और नौरी फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ क्योको काम करती थी। नौरी पास ही काम कर रहे डेविस से पूछती है कि क्या मेरी माँ किसी मोटरसाइकिल वाले से मिली थी, जिस पर डेविस हाँ में जवाब देता है। आप स्टेला रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा की जांच करती है लेकिन उसमें भी उस मोटरसाइकिलिस्ट का चेहरा नहीं दिखता। जिसके बाद स्टेला और नौरी घर चले जाते हैं जहाँ अचानक काला धुआं आने लगता है और वहाँ वही बाइक वाला बंदा आता है, लेकिन तब तक स्टेला नौरी को लेकर जेके घर चली जाती है जहाँ नौरी कहती है कि उसे नींद आ रही है और वो सोने चली जाती है। अगले दिन जैक स्टेला से बताता है कि उसे इमिग्रेशन ऑफिस से पता चला है कि 1998 में क्योको और उसकी माँ जापान से आई थी जिन्हें 6 महीने बाद नौरी हुई, लेकिन उनका रिकॉर्ड चेक करने पे पता चला कि उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जिन था जिसे वो साथ नहीं लाए थे। जैक स्टेला से सवाल करता है कि क्या नौरी को ये बात पता है कि उसका एक भाई था। जिसके बाद दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ नौरी सोई थी, लेकिन उन्हें वहाँ नौरी नहीं मिलती क्योंकि उसे उसी बाइक वाले बंदे ने किडनैप करके अपने साथ ले गया होता है। वो बंदा नौरी को अपना नाम बताता है कि उसका नाम जिन है और वो नौरी का ही भाई है। वो आगे बताता है कि उसने अपनी माँ और दादी को मारा क्योंकि उन्होंने जिन को अकेला छोड़ दिया था। दरअसल जिन के पास बचपन से ही काफी शक्तिशाली काइशो की शक्ति है जिसका प्रयोग उसने अनजाने में एक आदमी पर कर दिया था जो उसकी माँ का पीछा कर रहा था और गलत फायदा उठाना चाहता था। जिन बताता है कि उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसका हाथ जलाकर कोयले में तब्दील कर दिया, लेकिन उसकी माँ उसकी इन शक्तियों को बुरी शक्ति समझने लगी क्योंकि उसकी शक्तियाँ डिस्ट्रक्टिव टाइप की थी। जिन आगे बताता है कि एक दिन उसकी माँ उसे लेकर पार्क गई और उन्होंने जिन से ये कहा कि वो कुछ देर बाद वापस आएंगी, लेकिन वो कभी लौटी नहीं बल्कि जापान छोड़कर अमेरिका चली गई। नौरी जिन के बातों पर यकीन करने लगती है और जिन उसे लेकर स्टेला के घर के पास जाता है और कहता है कि वो अपना सामान लेकर आए, जो नौरी ऐसा ही करती है। और जब अपना सामान लेकर लौटती है कि तभी स्टेला उसे टेजर गन से शॉक करके वहीं बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में है और स्टेला उसे इंटरोगेट कर रही है जहां वो उससे पूछताछ करती है कि क्या उसने क्योको और दादी को मारा, जिस पर जिन हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो अब अजीब कारण से स्टेला के करीब आने लगता है और
उसकी मरे हुए बेटी के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि अगर सेला चाहे तो वो उसे उसकी बेटी दिखा सकता है। लेकिन स्टेला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिन अपनी शक्तियों की मदद से पुलिस वालों को मारकर उसी जगह पहुंचता है जहां उसने क्योको को मारा था। तभी वहां नोरी भी आ जाती है, जिससे जिन सवाल करता है कि क्या उसने पुलिस वालों को भी यहां बुलाया है, जिस पर नोरी जवाब देती है कि उसने पुलिस को यहां नहीं बुलाया, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां आ सकते हैं। तब तक नोरी का पीछा करते हुए स्टेला, जेक और बाकी पुलिस वाले आ चुके होते हैं, जो अब जिन पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन जिन अपनी शक्तियों का फिर से प्रयोग करता है और पुलिस वालों पर टूट पड़ता है। जेक और नोरी भी उस पर गोलियां चलाते हैं, जिसके बदले में वो जेक पर वार करता है। तभी एक पुलिस वाला उसे रोकने के लिए उस पर बजूका लॉन्च कर देता है, लेकिन जिन पर इसका भी कोई असर नहीं होता। सबको मार के और घायल करके वो नोरी के पीछे जाता है और उस पर अपने शक्तियों से वार करता है, लेकिन नोरी उसके वार को रोक लेती है और अपनी माँ की यादों को याद करते हुए आगे बढ़ती है और जिन को गले लगा लेती है, जिसके बाद जिन को उसकी माँ दिखती है और देखते ही जिन के आसपास पेड़ उगने लगते हैं और जिन खुद एक पेड़ में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद नोरी स्टेला के पास जाती है जो जेक को सीने से लगाए हुए रो रही होती है और आसपास घायल पुलिस वाले पड़े होते हैं। लेकिन नोरी के उनके पास से गुजरने पर वो सब उठकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद नोरी जेक के सीने पर हाथ रखती है और वो देखते ही देखते जिंदा हो जाता है, यानी कि नोरी की शक्तियां जीवन प्रदान करती है। इसलिए काइशो का प्रयोग करने पर उसके आसपास पेड़ पौधे उग जाते थे। मूवी के आखिरी सीन में हम नोरी को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए अपना सामान टैक्सी में रख रही होती है। वहीं पास ही स्टेला भी होती है जो नोरी से कहती है कि क्या वो श्योर है कि वो अकेले ही जाना चाहती है, जिस पर नोरी हाँ में जवाब देती है और स्टेला को गले लगाकर अलविदा करती है, जिसके बाद हम जेक और स्टेला को एक साथ देखते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।